विलापगीत अध्याय पांच विलापगीत अध्याय पांच हे यहोवा स्मरण कर कि हम पर क्या क्या बीता है हमारी ओर दृष्टि करके हमारी नामधराई को देख हमारा भाग परदेशियों का हो गया और हमारे घर परायों के हो गए हैं हम अनाथ और पिताहीन हो गए हमारी माताएं विधवासी हो गई है हम मोल लेकर पानी पीते हैं हमको लकड़ी भी दाम से मिलती है खदेड़ने वाले हमारी गर्दन पर टूट पड़े हैं हम थक गए हैं हमें विश्राम नहीं मिलता हम स्वयं मिस्र के अधीन हो गए और अश्शूर के भी ताकि पेट भर सके हमारे पुरखाओं ने पाप किया और मर मिटे हैं परंतु उनके अधर्म के कामों का भार हमको उठाना पड़ा है हमारे ऊपर दास अधिकार रखते हैं उनके हाथ से कोई हमें नहीं छुड़ाता जंगल में की तलवार के कारण हम अपने प्राण जोखिम में डालकर भोजन वस्तु ले आते हैं भूख की झुलसाने वाली आग के कारण हमारा चमड़ा तंदूर की नाई काला हो गया है सियोन में स्त्रियां और यहूदा के नगरों में कुमारियां भ्रष्ट की गई है हाकिम हाथ के बल टांगे गए हैं और पुरनियों का कुछ भी आदर नहीं किया गया जवानों को चक्की चलानी पड़ती है और लड़के बाले लकड़ी का बोझ उठाए हुए लड़खड़ाते हैं अब फाटक पर पुरनिये नहीं बैठते न जवानों का गीत सुनाई पड़ता है हमारे मन का हर्ष जाता रहा हमारा नाचना विलाप में बदल गया है हमारे सिर पर का मुगुट गिर पड़ा है हम पर हाय क्योंकि हमने पाप किया है इस कारण हमारा हृदय निर्बल हो गया है इन्हीं बातों से हमारी आंखें धुंधली पड़ गई है क्योंकि सियोन पर्वत उजाड़ पड़ा है उसमें सियार घूमते हैं परंतु हे यहोवा तू तो सदा तक विराजमान रहेगा तेरा राज्य पीढ़ी पीढ़ी बना रहेगा तूने क्यों हमको सदा के लिए भुला दिया है और क्यों बहुत काल के लिए हमें छोड़ दिया है हे यहोवा हमको अपनी ओर फेर तब हम फिर सुधार जाएंगे प्राचीन काल के नाई हमारे दिन बदलकर जो कि त्यों कर दे क्या तूने हमें बिल्कुल त्याग दिया है क्या तू हमसे अत्यंत क्रोधित है